किरण, मैं चलती हूँ पढ़ने। मेरी एक सहेली है, उसका नाम है कैथी कुमारी, देखती हूँ कब आएगी। हाय कैथी। हाय, कैसी हो तुम? मैं भी अच्छी हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। देखो चलते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल तो बहुत दूर है। ऐसा करते हैं कि रास्ते में कुछ गुनगुना लेते हैं, ताकि रास्ता भी कर जाएगा और मन भी बहल जाएगा। ठीक है चलो। चलो चल के बैठे। ठीक हमरा तो स्कूल में जाए रहे, लेकिन हम बुझाते समधियाना में आ गई बनी। ई हमारा पता नहीं खेल लगत कि छुट्टी हो गई, लेकिन बाद में आ गई बनी कि लड़का लोग आवे के पहले ही आ गई बनी। लेकिन जगह तो तमाम लोग एक कोना से पौड़ते वो कोना जाए, वो कोना से पौड़ते ये कोना आए। खूब फ्री जगह मिले बह का कहिए भैया, बारिश की वजह से हमारे बाबूजी कापी या किताब ना किन लें। कहले कि बेटा बारिश में भेजी तक फाट जाए, कोई के मारे गई स्टील के स्लेट बनवा दें, पेनी पर लिखियो ली ले, आ लंच में इन्हें खिचड़ियों खा ली ले, आ मौका मिले तो घुमा कर भीखो मांग ली ले। यही पर तीनों काम हमार हो जाएगा। अच्छा चलते नहीं स्कूल में बैठे, देखे के ना बैठे जगह मिलता के ना। अबे साले अंधे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो मेरे सर पे का बेटा है, बेवकूफ साले गधे हराम को। ए, तुमको दिखाई दे रहा तो तुम क्यों नहीं पीछे हट जा रही है? अबे साले, कभी स्कूल का शक्ल देखा है कि नहीं बे? वो मेरा सीट है, वहाँ पे मैं बैठती हूँ, तो मैं वहाँ से क्यों हटूंगी? नहीं हटेगी। क्यों हटूंगी? तुम्हारा सीट है तो तुम्हारा सीट है तो तुम्हारे ऊपर ऊपर ट्रक चल जाएगा, तू बैठा रह जाएगी। अबे साले, स्कूल का अंदर ट्रक क्या करने के लिए आएगा पहले बताओ? झोला में रख नहीं ले खिलौना वाला। अच्छा छोड़ो, पहले बताओ तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? जो तू करे हम आई। जितना मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, क्या करने के लिए आए हो? पौड़ने आए हैं, पौड़ने। साले गधे, पौड़ने नहीं बे, पढ़ने होता है, पढ़ने। पढ़ने आए हैं तो देखो, पढ़ने आए हो तो अपने सीट पे जाके बैठो, किसी के सर पे जाके बैठेगा हरामखोर। बड़ी मारत रे रे। नहीं तो क्या, अगर पति बार के तेरे के पूजा करूंगी तेरे को हरामखोर। यही तेरा मारो। हाँ तो क्या कर लेगा? जब हम मारे मनू क्या कर लेगा बोलो? अल्ट्रासाउंड होते रह जाई, डॉक्टर के पता ना लगे ये कहाँ मर ले। बस मारेगा बे? कहाँ मारेगा? अरे कहाँ मारेंगे, तुम्हारे बदन पर मारेंगे और कहाँ मारेंगे। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? हाथ गुड़ जाए ना सूखकर इतना का पतला पतला हो जाएगा और देह जो है ब्लैडर जैसा फूल जाएगा। तुमको पियरी बीमारी पकड़ लेगा, पियरी। साले जाकर अपने सीट पे जाकर बैठ, नहीं तो और मारूंगी तेरे को। कितना
मैं पूछता हूँ तू लड़कियों से लफड़ा की करे लफड़े तू तेरे साले हराम करेंगे छोटा साला कहीं का एक और देह देखी लो जी सीरा गोली छांट के अगर देह में 2.5 किलो मांस है वह और दुनाली बंदूक लेके मार फुटुर फुटुर कोई ले वह तो उसके बारे में जानता है तो उलाय ते अगर से भारी बंदूके होई परमाणु बम है परमाणु बम अबे भड़क नहीं है तो यहाँ क्या करने के लिए आया है पढ़ने आया है पढ़ने आया तो अपनी जगह पे जाके बैठ किसी के सर पे जाके बैठेगा तो तू जब मारेगी नहीं तो तेरी पूजा करेगी इधर कौन बैठती है उधर केवल सुंदर सुंदर लड़कियां बैठती है इधर केवल सुंदर सुंदर लड़कियां बैठती है हाँ। तो करिकी कहने बैठेगी सर अरे बेवकूफ गोरी हो चाहे काली हो सभी लड़कियां उधर ही बैठती है पता इसे बोलो ना सभी लड़कियों तू लड़का है ना आए? लड़का है ना चेक करके थोड़ा बताओ ना यहाँ क्या है प्यहुत्ता कहीं का लड़का जैसा दिखाई दे रहा है तो लड़का ना बोलूंगा क्या बोलूंगा अरे आजकल दिखाई देने पर कहे जा रहा है लड़का का कपड़ा लड़की पहन रही है और लड़की का कपड़ा लड़का पहन रहा है अरे तेरे चेहरे पे बाल उगा है इसलिए मैं समझ गया कि तू लड़का है तेरा मूंछ निकला हुआ है मूंछ निकले हुआ बाल कटके लोगों ने तेरा मकई के अरे दाढ़ी जमा हुआ है तेरा इधर बैठ जाए हाँ लड़का है ना लड़कों के लाइन में जाकर बैठ बड़ी जमा हो जाए हाँ भैया तो पहले के बराइल में तो डरवाओ था रखा कि डराए वाला ना हो भाई टीका जे पहले बड़ा बुझा था नौरतन में बोका भाखल बा चढ़ावे खाते भी ही ना चढ़ा बहुत उल्टा सीधा बात कर गए जाके अपनी जगह बैठ बैठ गुड मॉर्निंग एवरीवन सिट डाउन सब लोग अपनी अपनी जगह में बैठ जाओ और अपनी अपनी किताबें निकल के पढ़ाई शुरू कर दो ये कैसा लड़का स्कूल में आ गया है और आते ही मेरे सीट में बैठ गया है मैं पूछता तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो काहे मर रहे हो ओए तू क्या करने के लिए आया है हेने बोचा तें तो हई बोलता हां आ हेने बोचा तें तो हई बोलतिया आ ऊपर ते ही मारता रहता कहां बैठी रात ते ही करके बात करेगा काहे मर ले तोरा से पहले में तने बैठे ओए ओ मेरा जगह है वहां मैं बैठता हूं समझे बस हो जे गमछा धके सीट छेक के घर चल गइल बड़ तारा से पहले में तो हम ना बैठे यू ब्लडी फूल दैट इज माय सीट अंडरस्टैंड मेरा जगह है वहां मैं बैठूंगा तारा से पहले न आइल बनी दू जगह से फिरता बनी तब ये बैठल बनी स्टैंड ना फर्स्ट स्टैंड ना बुझले जन ला तारा से पहले बनी हम बैठे तू बैठेगा तो मैं कहां बैठूंगा हम का जाने कहां बैठबो तू जाने कहां बैठबो पछुआ का ये खड़ा रहो क्या तुम मुझे पहचानते हो मैं जान पहचान कोई लगे कौन बोल रहे तारा हमारा सोढ़ुआना चली का न्योता हकारी हुई इसका मतलब कि सचमुच में तुम मुझे नहीं पहचानते है ना वो हम नहीं जाना चीना तो नहीं जाना तू जानो आई एम हेड टीचर ऑफ द स्कूल अंडरस्टैंड मैं इस स्कूल का हेड मास्टर साहब हूँ मास्टर साहब यही हो खेले लो ओ मरते तू आदमी के लेके खानी वाला हो अरे बेवकूफ हर कोई आदमी का ही औलाद होता है समझे ये पढ़ाए लो आदमी के लेके होला जो पढ़ने आते हैं जब वो आदमी के औलाद हो सकते हैं तो पढ़ाने वाला क्यों नहीं ना अगर कंप्यूटर पढ़ा होता है इसे पूछ देनी हो नट ओए शट अप ओए बोलिए ना सर मैं बोल रहा था कि तुम सचमुच में मुझे नहीं पहचानते थे ना मैं मास्टर साहब हूँ तुम मुझे जब भी देखना मुझे आदर करना सत्कार करना मैं दिखूं या तुम्हारे और कोई टीचर दिख जाए तो आदर सत्कार के साथ उन्हें प्रणाम करना कैसे किया जाता है प्रणाम प्रणाम करना नहीं आता आ ये
अच्छा तो स्कूल में आ गए हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। हाँ, सिखा। जब तुम्हारे टीचर दिख जाएंगे ना तो देखते हैं क्या करना होता है। प्रणाम सर। खुश रहो बेटा। प्रणाम करना नहीं आता है, आशीर्वाद देना आता है। अरे वो पीछे नानू मारे का चाहिए। क्या है वे पीछे क्या रखा? इन्हें दही के हाँड़ी वो फूट जाए तो हौदर हौदर गिरे लगे। बहुत अजीब लड़का स्कूल में आ गया है। आज पहली बार आए हो ना? हाँ पहली बार आए हैं। ओ तो ठीक है, तुम एक काम करो, अभी मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो। चल। आई बाप, ये ऑफिस बनौले बहने अनहारा में उन्हें बोलू नहीं खे जरूरत, उन्हें ही बोला कर लिए तो हम पढ़म चाहे ना पढ़म एक ऑफिस में ना जाए। क्या सोच रहा है? ना जाए वो ये पढ़ाई ना उन्हें। अरे क्यों नहीं जाएगा, मेरे ऑफिस में चलो, बहुत बहुत जरूरी काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होकर जाए कुछ अनहारा में ना जाए। वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ लाइट जल रहा है, डिम लाइट है ना, थोड़ा डिम लाइट है इसीलिए अंधेरा दिख रहा है। डिम लाइट में हमारे क्रीम लाइट बिस्कुट खिया घर में बड़ा। नो 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 नो, तुम मेरे ऑफिस में चल के एडमिशन करवा लो। बड़ा मौगा हवाई वह तो चल के ऑफिस में करवा लो। सब सब्जेक्ट के नाम सुन ले रही है, साइंस ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसा करवा लो। कौन सब्जेक्ट हो हम पढ़म चाहे ना पढ़म, लेकिन ऊ ना पढ़म ना पढ़म। अरे क्यों नहीं पढ़ेगा, हम यही तरह ना पढ़े, बढ़िया से पढ़ेगो। जब स्कूल में आ गए हो ना, जब अंदर आ चुके हो तो तुम्हें पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ये हमारे स्कूल का रूल है। हम ना पढ़े, हम जाते नहीं बोहरी। नहीं पढ़ेगा तो सिक्योरिटी गार्ड बुला के तुम्हें इतना पिटाई खिलवाऊंगा ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हम ना पढ़े। अरे जब पढ़ना नहीं था तो आया क्यों? बढ़िया से बाप मतरी भेज रहे सत आ गई नहीं है, लेकिन वो थोड़े बुझे चलो। ठीक है ठीक है, तू कहाँ बोला के ले जाता रहो। अरे मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, इसलिए कि जो भी नए नए इस स्कूल में आते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। पहले पहले डर लगता है, मन नहीं लगता है। तुम भी आज पहली बार आए हो ना, इसीलिए तुम्हें डर लग रहा है और तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जब ऐसे ही दो चार बार लगातार आएगा जाएगा आएगा जाएगा तो तुम्हें अच्छा भी लगने लगेगा और तुम्हारा मन भी लगने लगेगा। हमारा 100 करोड़ है खराब, उन्होंने सामने ही देखने गाल पकड़ा था तो ऑफिस में ले जाके कथी पकड़ी हमने भारे। सर छोड़ दी ना पड़े, भूला पे आ गई बनी, गलती से आ गई बनी, माफ कर दिए, छोड़ दी ना पड़े। क्यों क्यों डर लग रहा है? हाँ डर लगा था। अरे डरने की बात नहीं है, देखो 5 मिनट का काम है बस, उसके बाद फ्री माइंड पढ़ाई करते रहो। 5 मिनट साले 5 मिनट कम हो गया, 2 मिनट हमारे से सांस रोकइबे नहीं करी, 5 मिनट में तो दम फूल जाए हम मर जाए। भाई सर माफ करी, मिस्टेक से स्कूल में आ गए, मैंने छोड़ दी। अरे बेवकूफ, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है या भागने के लिए? वो तो पढ़े खाती भेज रहे हैं, बोलो हम वो पढ़े आई ना रहनी, लेकिन हम का ये नहीं कब पा रही पढ़ जाई, ये 5 मिनट होने जाकर सांस रोके कब आ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बे? मैं ना पढ़े हम तो। अरे 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 मेरे ऑफिस में चल के एडमिशन करवा लो। एडमिशन करवा लो का मतलब समझते हो? जी ना। तो मेरे ऑफिस में चल के इस रजिस्टर पर अपना नाम लिखवा लो। समझे? ए महाराज तरवे कहले ना हमर सांस टंगाई ले लो ऊपर ओई तरह से। जब नाम लिखवा तो ऑफिस में लिखे में ये लिखी लाइट बा। देखो अब नहीं जा रहे हो तो क्या करो, छोटा रजिस्टर में चढ़ा लेता हूँ, बाद में बड़े रजिस्टर पे चढ़ा लूंगा। हां पहले छोटे का बचा लेता बाद में बड़ा का, पर जो इनको रख रहा। चलो अपना नाम बोलो। अबे चंपक मूर्ख जैसे बातें करेगा, क्या हुआ है? अरे सर के सामने खड़े हो तो जरा अदब से बातें करो। कैसे बोले? तुझे बोलना है लिखी। चार लिखी तो चलो अपने नाम बताओ। लिखी। अरे अपना नाम बता। लिखी।
जब तक तू बताएगा नहीं यहाँ तुम्हारा माथा लिखूंगा बेवकूफ। जब हम ही बताएं तो तू लिखो तो पढ़ाइबो कथी हो। देखो इतने विद्यार्थी है सभी लोग का नाम मुझे थोड़ी मालूम है। जब तक तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे गांव वाले तुम्हें जिस नाम से बुलाते हैं वही नाम इस रजिस्टर पर लिखवाना होगा। अच्छा सर लिखिए लिखिए लिखिए। बोलो। थोड़ा हम अनाड़ी लड़का है, स्कूल में पहली बार दाखिल हुए है ना। हाँ तो अब ज्ञान मिलेगा तो समझ सकती बढ़ जाएगी। हाँ समझ सकती है, समझ सकती हूँ। लिखिए बोकोटन लाल चौटाला जहाँ जा रहे चार जोड़ा जूता होकर घोटाला है। बकोटन लाल चौरसिया शाम में ताजा सुबह में चाहे बसिया तथा 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 बाकी है टाइट बाकी है। बकोटन लाल डोसी शाम में चाहे मुर्गा सुबह में चाहे खोसी। ये क्या है सब नाम है नाम है नाम है। तुम्हारा टाइटल है टाइटल है टाइटल है। हाँ टाइटल है। अजीब टाइटल है। जाते हैं बैठते हैं। ठीक है ओए उधर मत जाओ इधर बैठे। तुम एक काम करो वहां पर जगह खाली है बैठो साइड में जाओ 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 साइड में बैठ जाओ। हाँ ना जाला सॉरी हो रिया बैठते बैठते वो यहाँ तक मोटरसाइकिल के टायर के हवा निकलत है। ए सर क्या हुआ हमारे के एसी वाला घर में बैठाई ना तो हेकर के दूसरे जगह भेज दी। क्या हुआ वहाँ गया था ना बैठने के लिए एकरा लगे हवा का टंकी हो गई जाते जाते सूई जे छोड़ चला डायरिया पकड़। तो ठीक है कहाँ बैठेगा इधर बैठ इधर बैठ आगे बैठ चल आगे बैठ। हाँ आराम से बैठे रहना ठीक है। डियर स्टूडेंट्स चलो अपना अपना हाजिरी बोलो। ठाकुर तूफान सिंह साहिल कुमार दीपेंद्र कुमार जी आर पी सिंह कस्ती कुमारी रिया कुमारी नंदिनी कुमारी तमन्ना कुमारी उर्वशी कुमारी काजल कुमारी और ये जो नया लड़का इसका नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन शॉर्टकट में बोलना पड़ेगा। बकोटन लाल चौटाला बकोटन लाल चौटाला। अरे भांग पी भकुवैले जोगी गांजा पी श्री मस्त हो अरे धतुर खाए बौराई गईले धैले सोरठपुर के राहो एकिया हो रामा मन हो देहला जुबिया बना मामा न हो दूस मन हो देहला जुबिया बना क्या मैं तुम्हारा मामा हूँ? बिजभार अपने मामा के कह दे मारे रोगा ये मारते नहीं। अच्छा बिजभार का गाना गा रहा रो मेरे बाप का सार ही मारते नहीं। मुंह संभाल के बात कर मार के बत्ती से निकाल दूंगा काले मारे खाली दूलो नखिर रो छुपा गई बनी। अरे देखो वहां बैठ कर मैं तुम्हारा हाजिरी बोल रहा हूँ हाजिरी बोल लेने के बाद गाना गा लेता। हमारे बोले कि शनिवार है कोनो लेके नहीं गया तो हमारे गिंजर भार याद लगावे लोग नहीं। तुम्हें अपना हाजिरी बोलना है समझे। अच्छा बोलने बेवकूफ बोलिए बोलिए हाजिरी बोलने की जगह हमें गाना गा रहा
बकोटा लाल चौटाला अब्सेंट सर। क्या बोला बे? क्या बोला? अब्सेंट सर। सर बोलेगा? सर बोलेगा? हम जानते नहीं ये कुछ बोल दे रहा। अरे सर नहीं, सर। सर हाँ अब्सेंट सर। जब तू यहाँ पर मौजूद है हमारे काम वालों में मौजूद बने तो प्रेजेंट सर बोलना चाहिए। अब्सेंट सर क्या हुआ बे? प्रेजेंट सर। हाँ ये हुई बात, अच्छी बात है। तुम एक काम करो, जब तक मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तुम मेरे जगह में जाके बैठ जाओ। ओके सिट डाउन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सभी विद्यार्थियों से बारी बारी करके एक एक सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल किससे किया जाए? बकोटन लाल, ए बकोटन लाल, कम यार इधर आ जाओ। तुम बड़ा खुशमिजाज आदमी लगते हो और टैलेंट भी हो। हाँ टैलेंट ही तो पूरा हुआ। हाँ पिटाई में टैलेंट बनीश। तो अभी तुमसे एक सवाल किया जाएगा जिसका जवाब तुम सही सही देना। ओके एक बार अभी पढ़नी हो जाए तो जी बताएं कौन सी हो जाता। देखो बहुत आसान सवाल है। पूछिए पूछिए। बहुत आसान सवाल है। पूछिए। तो तुम बताओ इस विश्व में कौन सा ऐसा देश है, इस विश्व में पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो आज तक किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं हुआ? बताओ सर। विश्व में एक नेपाल है, ऐसा मुल्क है जो आज तक किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं हुआ। वेरी गुड, राइट आंसर। ताली 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 हो गया। सही जवाब है, सही जवाब। बता दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। हे ये क्या है बे? बता दे रहा हूं, बताओ दे रहा हूं। मार रहा हूं। ये क्या हरकत है? एक सवाल का जवाब दे दिया तो सलमान खान की तरह चलेगा। क्या चली? रेखा खानी चली। अरे नहीं, मैंने तुम्हें शाबाशी दिया ना। हाँ तो मेरी पूरी बात सुन लेते हैं। तुम जानते हो कि नेपाल ही ऐसा देश है जो आज तक किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं हुआ है ना? यस सर। सही बात है, बात सही है। इसके अलावा भी कुछ जानकारी है तुम्हें, जनरल नॉलेज से या पहाड़ा जानते हो? अच्छा सुनाओ, चलो सुनाओ। भात का भात, भात उना दाल, भात या तरकारी, भात चौका चोखा, भात पचे पापड़, भात छक छनुआ, भात सत्य साग, भात ठठे अचार, भात नहा का निमकी, भात दहा का दही, तब बेटा भोजन सही। ये क्या पहाड़ा है बे? भात का सौर, भात के भात का पहाड़ा पढ़ाया है। हैं? ये गलत बात है, कुछ सही चीज बताओ, कुछ अच्छा चीज। पोएम सुनिएगा, पोएम जानते हो? हाँ जानते हैं। बोलो सुनिए। आइए सर इधर आइए ना। सामने हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा? नाइदर आई नोर यू, न तुमने देखा न हमने देखा, बट हु इन द पॉपुलेशन। लेकिन जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं तब लोग महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। वेल डन, वेल डन, वेल डन माय बॉय। लेकिन तार लेके ये माय बॉय को जरा। अरे जब स्कूल में आ गए हो तो शिक्षक जो होते हैं माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, प्रणाम सर, मिस्टेक हो गया। हाँ तो इसके अलावा भी और कोई अंग्रेजी आता है तुमको? आता है। फास्ट में आजकल का जो अंग्रेजी चल रहा है फास्ट में, उसके बारे में कुछ नॉलेज है? हाई नॉलेज। मारिंग दिस लाठी फोरिंग डेड कबार गोइंग टू धाने धाने। ये आजकल का इंग्लिश है? बेवकूफ। मारिंग दिस लाठी फोरिंग दिस कबार गोइंग टू धाने धाने किसने सिखाया? बेवकूफ। कैसा लगा? सेकंड क्वेश्चन, तूफान सिंह स्टैंड अप एंड लिसन टू मी द क्वेश्चन। ओके कम हियर। तुम ये बताओ कि सन 1947 से पहले, सन 1947 से पहले 19वीं सदी में जो अंग्रेज लोग हमारे देश भारत में शासन करने आए थे वो किस देश, किस मुल्क, किस प्रांत से आए थे? गिव मी द आंसर। सवाल का जवाब मुझे याद है मास्टर साहब, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको नहीं बताऊंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब आप ही को याद है, इसलिए आप मुझसे सीखना चाहते हैं। Yeah.
पे कुछ झगड़ा तुम दोनों में लात मुझको मारे जा रहा है। तुझे मिर्गी क्या मेरी समझे तर अपने जब तू देख रहा कि मैं तूफान सिंह से सवाल कर रहा हूँ तो तू अपनी जगह सूट कर मारा मारी करने की वागे में हमारा बोले के बेवकूफ सर से अदब सी बातें करनी चाहिए। सही बात है। जब रहुए सवाल पूछे तो इन्हें टीण होकर कहता लगता है सर आप ही को मालूम नहीं है। वही पर गुस्सा गए सर मारा मारी हो गई है सर इके हो। अरे इनको नहीं पहचानते ना। ये हमारे राज्य के राजकुमार है राजकुमार इन्हीं का नाम तो ठाकुर तूफान सिंह है। ये राजा का लड़का है। यस ही इज प्रिंस ऑफ द स्टेट ये इस राज्य के राजकुमार है। तनी लगे बोला मैं राजा का लड़का हम देख लेने की क्वेश्चन हो खेल। अरे तुम्हारे पास में खड़े हैं देख लो। लगे बोला देखेगा हाँ देख लो अच्छी तरह से देख लो। I am Prince of the Interstate. कौन था चियारा ने? राजा का लेके होगा। राजा का लेके बताए बीच में दोगा काय करो खले बड़ो। तो हम तो गरीब बन के नहीं दोगा रहे। इस दुनिया में गरीब हो चाहे अमीर हो सभी के बीच में दोगा रहता है। अच्छा राजा का लेके होगा। यस जा हो गोल जा। और कुछ सवाल जाना हो भाई जा जा बोलो पहचान ले। ए जाना पहचान ले। ओ जी राजा का लेके हो आप कहाँ चीनी आप कोई हमारे लेके हो तो जी वो ओए देख लिया देख लो नहीं। हाँ ये राजकुमार है अब पहचान लो। भूलियो ले भाई राजा का लेके ना हो। अरे राजा का लड़का है ना। राजा का लड़का एकदम ना हो। पहले कभी देखा है? आज मेला में बैठा ही था। क्या करते हुए देखा है? फूल अपने बेचे तो रही। मर्डर होगा मर्डर। हाय 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 छोड़ हट। पुष्पाराज शाला झूके गाने पुष्पा राज है। अरे बाप रे बाप। सीधा खड़ा रहा गुस्से में आ गया है सदमे में चला गया है। पकड़ा लाल सुनाई नहीं दे तू ये गणा से लेकर पढ़ आता है। हम जानते रहे स्कूल में ऐसा लेके बैठे हैं सोई के मारे हथियार लेकर चलने हैं। पुष्पा राज झुकेगा नहीं ऐसा मार मारूंगा साला कोमा में चला जाएगा समझे। साला डेढ़ फुट का आदमी और बात कर रहा है साला इतना बड़ा जाने जाने जान ले कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन तूफान सिंह कूल डाउन। पुष्पराज साला झूके अच्छी बात है लेकिन पुष्पराज यहाँ स्कूल में जब पिटाई होने लगेगा ना तब पुष्पराज वाला जो दबंगाई है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये हथियार लेके घूम रहा है ना अभी प्रशासन बैठे थे तुम्हें देख लिए होते तो पकड़ के ले गए होते। ऊपर से पास करो ले बनी ऊपर से किससे जान पहचान है मास्टर साहब। हाँ उस पर आज लकड़ी चोर है साला लकड़ी का चोर है साला। अरे तो चंदन ना चोराई ले खाली दो तुम चोराई ले। अच्छी बात है फिर भी लकड़ी है ना लकड़ी इधर आओ आइंदा इस गणेश को लेकर स्कूल में बताना ठीक है। आए आ जाओ तुमको थोड़ी मिलेगा तो मर्डर कर दे हो। ए चुपचाप बैठो। ए देखो बात नहीं मान रहा भाई। साहिल कुमार स्टैंड अप एंड कम हियर एंड यू आल्सो लिसन टू मी द केयरफुल द क्वेश्चन ओके। अभी अभी जो सवाल मैंने तूफान सिंह से किया जिसका जवाब मुझे नहीं मिला तो तुम बताओ उस सवाल का जवाब क्या होगा। सर आप यही सवाल रखिए जो 1947 से पहले 19वीं सदी में जो भारत में शासन करने के लिए आए थे किस देश किस मुल्क किस प्रांत से आए थे? वो ब्रिटेन से आए थे सर। राइट आंसर। क्या जवाब दिया है? अच्छा यही लड़का नरेंद्र मोदी के बाद में प्रधानमंत्री बनेगा। तू कोई ज्योतिष है? अगर नत्ता खोल दे यार हरी बता रहा मैं फालतू बात करेगा
तुमने अभी अभी कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री यही बनेगा। जानकार है, जानकार है, नॉलेज है। इसका मतलब कि उसने जो सवाल का जवाब दिया सही था? बिल्कुल सही, 100%। 100%? तुमको पहले से मालूम था? मालूम है। अच्छा, पूछिए कहाँ से वो लोग आए थे। अच्छा, तो जो अंग्रेज लोग भारत देश में शासन करने के लिए आए थे वो कहाँ से आए थे? सिवान बड़हरिया रोड से आए थे सर। सिवान बड़हरिया रोड अपना ही देश भारत में पड़ता है। अरे तो भारत में जो शासन करने आए थे वो सिवान बड़हरिया रोड से आए थे? वो ब्रिटेन से आए थे जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था। सिवान बड़हरिया ब्रिटेन में नहीं थे, अपने देश भारत में है। चल भाग। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए पढ़ाई इतना ही। तुम सब जानते हो हर साल परीक्षा होता है और हर साल की भांति इस साल भी परीक्षा नजदीक आ गया है। जितने भी विद्यार्थी हैं कल अपने घर से आते समय परीक्षा फीस के लिए 100 रुपये लेकर आएंगे, और जो विद्यार्थी परीक्षा फीस के लिए 100 रुपये लेकर नहीं आएगा उसका नाम स्कूल का रजिस्टर से काटकर उसे धक्के देकर हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। चलो जाओ छुट्टी, जाओ 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 छुट्टी। सर, हमारे गणासी जी। गणासी? रास्ते में मर्डर हुई है, बुझे तो नहीं। ये लो तुम्हारा गणासी, और याद रखना आइंदा स्कूल में लेकर मत आना। नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए तूफान सिंह रुका हुई, कुछ बात है शायद, बात कर लो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। कोनो बात नहीं कह, लफड़ा बढ़ी दूसर कुछ नहीं हो। अरे लफड़े की बात नहीं, तुम बताओ। बहुत ही चल जाए कि ना, मूड खराब हुआ पटा के मुर्गी खानी हलाल कर दे कोनो खाने नहीं। तो ठीक है, अभी अभी मैंने एक सूचना दी। हाँ। तुमने सुना? सुना है सर। क्या सुना? आपने बोला है ये कल से कोई लड़का हाँ। खाना खाकर नहीं आएगा, खाना स्कूल में मिलेगा, और 3 बजे अलग से लिए अलग से 100 रुपये नाश्ता करने के लिए आप देंगे। अरे 100 रुपये तुम लोग को थोड़ी मिलेगा, तुम लोग अपने घर से लेकर आओगे परीक्षा फीस के लिए, समझे? और तुम ही लेकर आना। सर, हम बड़ा गरीब आदमी, हमारा रुपये ना जुरी सर कहने वाले। अरे क्या हुआ? रुपये अरे बहुत अमीर आदमी थे। हाँ, वो लोग हर बोलाव के लोग जाने दलो, बड़ा नामी आदमी लो रहा। अच्छा, तुम्हारे पिताजी? हाँ। अच्छा, माता पिता वो दोनों नामी आदमी थे, पूरे ब्लॉक को लोग जानते थे, हमको कोई नहीं जानता। अरे तो ब्लॉक में मेरा भी आना जाना लगा रहता था बचपन से ही। अगर उतने मशहूर प्रसिद्ध लोग थे तो शायद तुम अपने पिताजी और माताजी का नाम बताओगे तो मैं भी पहचान लूंगा, और तुम्हें अपने तरफ से जितना सहयोग हो सके मैं दूंगा। पूछिए सर। तो ठीक है, पहले बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? बोका महतो। बोका महतो। और माता जी का नाम? पूछिए मैं बोका के कहीं लिखे जानस। बोका महतो का आप लोग जानते हैं इनके पिताजी? लिखे लोग जानस। नहीं जानते हैं? जाना तो लोग मोहल्ला जाता लोग जान जाए लोग बोकरी पोस ले वाले। और तुम्हारे माता जी का नाम? बोकरी देवी। और कोई है घर में? एगो भाई बाबा का नाम खोसी कुमार। अच्छा, एगो छोट बहन भी है, बोका के डर घर ही में खूंटी ठोकर रखी लो, ओकर नाम पाठी कुमारी। तुम्हारे पूरे फैमिली के नाम सुनने के बाद तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। सर, बड़ा गरीब है। चलो ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा पढ़ाई जो है ना कंटिन्यू रहेगा, रुकेगा नहीं। तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से 50% का डिस्काउंट देता हूँ, यानी कि सभी लोग अपने घर से 100 रुपये लेकर आएंगे, और तुम अपने घर से आते समय कल 50 रुपये लेकर समय से स्कूल में पहुँच जाना। ओके, ठीक है? अगर 50 रुपया भी नहीं लाया ना तब कोई दया मया तरस नहीं, तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट कर तुम्हें थक्के देकर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सर, व्यवस्था में बनी। हाँ ठीक है, व्यवस्था कर ले। रघुवेंद्र भरोसे स्कूल में घुस गई बनी बेसी ना, 5 आदमी मात्र कहो 10 टकिया दे दे लोग तो हमारे स्कूल में दाखिला हो जाए, लगन परीक्षा में बैठे। अगर जो ब्लॉक में हमारे नौकरी लाग गई तो जे हमारे 10 टकिया कहो दिल रही 5 आदमी, 5 आदमी के नाम से जितना पड़ती जमीन होगी गर्म मजरूआ लोग के नाम से पीपी कह दे। हमारो वादा बाकी 5 आदमी इधर मरदा ना भाई, कहो 10 टका। हाँ बा भाई, रघुआ नाम से 2.5 कठा।
एगो दस टकिया आगल मात्र चार आदमी हो रही केहू नहीं है सहाय मात्र 30 रुपए छोड़ दिए हम वसूल के बड़ा पक्का है हो गई भाई इतने में हम हो जाए बड़ा बाबू हो जाए बजे तो परीक्षा दे बोलो के हम अच्छा भैया।